हेलो जी। तो अभी हम आए हैं कैनी के पास। वो कैनी द पिंडी बॉय और मेरे साथ वन एंड ओनली जैन सुमरो पांडा बॉय। पांडा बॉय। तो अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं कैनी का, उसी के घर के बाहर बैठ के। बस ऐसी सिचुएशन आ जाती है कभी कभी। तो जैन भाई, आपके व्लॉग व्लॉग नहीं आ रहे, काफ़ी टाइम हो गया। व्लॉग यार बस आज इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, क्योंकि यार आपने बताया नहीं आज क्या भाई के 100 सब्सक्राइबर्स। हाँ भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह जैन भाई के 100 सब्सक्राइबर हो गए, कॉन्ग्रेट्स। तो इसी टाइप के ऊपर एक वीडियो आएगी, क्योंकि यार कल मैं मादरत के साथ फिर से हैदराबाद जा रहा हूँ। अच्छा, कल से जाना पड़ेगा यार, सॉरी। तो बैड सीन, वेरी बैड सीन। और तो उसके बाद बस फिर वहाँ से आके इंशाल्लाह फिर वहाँ व्लॉग का कोई सीन है। हाँ, शादी का आएगा व्लॉग, आएगा एक शादी का, एक और व्लॉग। तो हो सकता है कि जैन भाई का एक व्लॉग आज आएगा, एक आज आएगा सेलिब्रेशन का, सेलिब्रेशन का। और इसके अलावा एक दो दिन में फिर इंशाल्लाह जैन भाई का एक शादी पे आएगा। एक सीक्रेट है कि वेट कम करना है भाई, अब एक नया लेके आ रहे हैं, अब वेट कम करना है, अब तो इंशाल्लाह कोशिश होगी। Hello, it's me. पर आज की जो वीडियो है वो सारी हमारे कैनी भाई के साथ है। तो कैनी भाई इज हियर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो फ्रेंड्स। चिप्स खा लो। चिप्स खा लो। तो कैनी भाई, अब जैसे आप लोगों ने पहले की वीडियोस देखी होंगी कि मैंने एक जैन भाई के साथ बनाई थी और एक वजाद के साथ बनाई थी, अगर दोनों नहीं चेक की तो 3-3 सेकंड के बाद ऊपर आएगी, वो चेक कर लें। उससे पहले ये वाली ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कैनी भाई के साथ बहुत डिले हो रही थी हमारी वीडियो, पर आज फाइनली टाइम आ चुका है। तो कैनी भाई कुछ बताएं, कैसे वैसे हम मिले थे? क्या हम मिले थे स्मार्ट स्कूल में 7 क्लास में। हाँ। मेरा दिन था पहला, तो पार्टी वाले दिन भी ये नहीं आया, मैंने कहा चलो सारे स्टूडेंट आने में थोड़ा टाइम लगेगा। फिर करते करते एक महीना गुजर गया, फिर भी नहीं आया। फिर एक दिन ही आया था, फिर चला गया एक हफ्ते के लिए। आना जाना मैंने लगा के रखा हुआ था, ये आता नहीं था, मैं जाता नहीं। और फिर फिर उसके बाद जो ब्रो कोड वाला सीन था, मतलब हमारी पक्की फ्रेंडशिप जिसको कहते हैं बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, वो हमारा 9th क्लास में हुआ था। तब बजाज भी आ गए थे, उनसे भी अच्छी बातचीत शुरू हो गई थी। तो हम तीनों का एक ग्रुप था 6 दोस्तों वाला। लेकिन इसकी और मेरी कुछ ऐसी यादें जो हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे, कसम से यार, कसम से बड़ा हमने अच्छा टाइम शुरू का गुजारे, अभी भी अच्छा है पर पहले भी अच्छा था। आप लोगों को लगेगा कि शायद साइको है, क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए वो अच्छा था, कसम से ऐसा ही है। तो कोई यादगार सी बहुत सारे हैं, मेरा दिमाग में है। और उसके बाद हमारी स्कूल लाइफ का यार बताओ, कैसी हमारी लाइफ? स्कूल लाइफ में तो ऐसा था कि इनकी सारे सुनते थे शुरू से, लड़कियां लड़के, टीचरें भी इवन अभी तक इनकी छोटी बहन पढ़ती हैं, उनको कहते हैं कि रोयल ऐसे रोयल वैसे। याद करते यार, आपका भाई सेलिब्रिटी था स्कूल के अंदर तरीके से। पर कैनी, कैनी भाई, कैनी का नेक्स्ट लेवल था। एक बात है कि कैनी पिटा बहुत है स्कूल में, याद है? मैं भी पिटा हूँ, मैं भी पिटा हूँ, पर अच्छा हमें जब ये बोलते थे ना क्लास से निकल जाओ, कैसे जाते थे हम लोग यार, दूसरे की तरफ देख के चलेंगे और ऐसे स्टाइल से जाते थे, पता नहीं हमने क्या कर दिया। खड़े हो गए, पूरा पीरियड गुजार दिया, बाहर चले गए, फिर वो जो स्कूल के फायर एक्सटिंग्विशर खाली किया, वो वाला सीन बताओ। टीचर बोल रही है कि एडमिट कार्ड रोक लेंगे हम, एक दूसरे के कानों में कह रहे हैं इनका बाप भी नहीं रोक सकता, हमने नहीं हो सकता। उसके बाद हमने फिर क्या किया, तो उन्होंने कहा कि फाइन भरेंगे तो एडमिट कार्ड मिलेगा, एंड तक वो फाइन की उम्मीद में बैठे थे, लेकिन हमने नहीं दिया, फिर भी हमने एडमिट कार्ड ले लिया। हम बहुत जीना आराम हमने किया था स्कूल के अंदर, और मतलब ऐसा था कि हम लोग एक तो सीनियर थे सब में, और पहला बच्चे बैच था हमारा। पहला बैच था तो हम ज्यादा ही ना हवाओं में उड़ते थे, और कहते थे बस हम यहाँ हमारे पास दस तुम हमारे करियर बंद करवा दो। हमारा चैनल निकल हम तुमको पालो शंकर। तो हम लोग बड़े वैसे
दादागिरी करते थे स्कूल के अंदर अपने टाइम में, बच्चों से प्रीफेक्ट का स्लैश लेके कैंटीन में जाके सबसे पहले लंच लेते थे, जब ले लिया तो मुंह पे मारा स्लैश, मुंह पे मारा। और फ्री में भी हमने कितना लंच खाया यार स्कूल के अंदर, बच्चे टीचर खुद खिलाते थे, खा लो बेटा भूख लग गई। ये तो अभी हम जरा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह मासूम हो गए थोड़े थोड़े, वरना पहले हमने बड़ा जीना आराम किया था पूरे स्कूल का। बच्चे बेचारे लाइन लगा के खड़े हैं, एक बच्चे को यूं किया सारे अच्छा लाइन में हम लोग खड़े होते थे ना, हम लोग क्या करते, सबसे पीछे हम लोग खड़े होते थे, पीछे से हम लोग धक्का मारते थे सारे बच्चे आगे टीचर की गोदों में जाके हमने बड़ा वो अच्छा टाइम स्पेंड किया। और फिर हमारे उससे पहले हम स्कूल में मिलते थे ज्यादातर, फिर उसके बाद हमने स्कूल के बाद बाहर भी मिलना हमने शुरू किया, फिर बाहर भी काफी सारी हमारी मेमोरीज हैं बहुत अच्छी अच्छी अभी भूल गया क्या थोड़ी तो मैं ही बता रहा हूँ इतनी देर से बताओ ना थोड़ी। और उसके बाद एक अच्छा हमारा सीन ये हो गया था कि इस कैनी के घर में मुझे सब जानते थे और मेरे घर में भी कैनी को सब जानते थे, जैसे जैन के घर में जानते हैं, तो ट्रस्ट लेवल जो था वो 9 के से ऊपर था, 9 के से ऊपर था, मतलब ऐसा था हम लोग घंटों घंटों एक दूसरे के घर में बैठे रहते थे, पता नहीं क्या क्या हम लोग हरकते करते थे। एक कॉल आई बस मैंने बोल दिया रोहिल के साथ, इसने बोल दिया मेरे साथ, तो बस खत्म। और बहुत अच्छा हमने टाइम गुजारा था, बस अभी जब से फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आए तब से जरा दूरियां हो गई है, से इलाके चलते हैं इरादे नहीं कसम से यार कसम, तो अभी बस ऐसा हो गया, वरना पहले हम लोग बहुत एनी टाइम घूमते थे, अभी भी मैं 2 हफ्ते बाद आया हूँ तकरीबन, 2-3 हफ्ते बाद, वरना पहले डेली एक ना एक टाइम तो हम लोग कैनी के पास आते थे और बैठते थे रात को, अभी भी ऐसा होता है कि कभी कभार बैठ जाते हैं तो इतना सीरियस क्या खा रहे हो, आ जाओ मेरे को फिक्र ही नहीं है, बताओ क्यों रो रहे हैं, मैं पीछे सुन रहा हूं की बात, आग लगे बस्ती में अपनी बस्ती में जैन को फिक्र ही नहीं है क्या हो रहा है दुनिया में, आ जाओ भाई किसी को खाना, हां व्लॉग यू तो ऐसे रो जैसे कैमरे में घुस के निकलेंगे ना वो बाहर, पर जब तक आप लोग देखेंगे ना बहुत देर हो चुकी होगी व्लॉग तकरीबन, मैं अभी इससे पहले एक व्लॉग आएगा उसके बाद ही आएगा, तो आप समझ जाएंगे ये व्लॉग मैंने बाद में शूट किया, इससे पहले एक व्लॉग आएगा तो वो आप देख चुके होंगे तब तक, काफ़ी सारे लोग अगर उसमें से किसी लोगों ने नहीं देखा होगा तो वो आप लोग देख लें। बाकी जैन भाई आप और कैनी का कैसे मिले थे आप लोग? मैं तो इससे मिला था पेपर वाले दिन मिला था मैट्रिक के। अच्छा पेपर में मिले थे तुम? चलो तुम्हारा साथी तो मिले थे हैं। उसके बाद जब पक्की दोस्ती हुई थी तो जब तरावियां पढ़ने जाते थे। हाँ तरावियां नमाज। अच्छा और हम लोग मुसलमान अच्छे बच्चे थे, तरावी हम लोग पढ़ने जाते थे, मकसद कोई जो था हमारा वो बताएंगे, वो हम पढ़ने जाते थे, मकसद चाय पीना था पर हम पढ़ते थे फिर भी जैन भाई दूसरी दफा जाके बार बार बिस्किट लेके आते थे, हम चाय पीते थे उसके साथ तरावी के, एकदम 12 बजे हमारी तरावी खत्म, तो 1 बजे खत्म हो जाती थी, 2 बजे हम घर पहुंचते थे, 11 बजे रमजानों के दिन भी हमारे बेस्ट गुजरे, बेस्ट रमजानों के दिन थे हमारे। वैसे इस दफा का जो रमजान था वो तो नेकियों में ज्यादा गुजारा है, गरीबों की मदद करके लोगों को इफ्तारी करवा के, हमारी एनजीओ भी जब से आई तो हम लोगों ने उसमें भी काफी सारा टाइम एक साथ गुजारा, दूसरे को भी टाइम दिया ऐसी बात नहीं है, लेकिन साथ साथ उस दौरानिए में लोगों की भी मदद करते गए, तो आप हमारा जो पेज है वो जरूर चेक कीजिएगा, यंग ग्रीन पाकिस्तान, हमारा काम भी देखिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा, और तुम कर लो सपोर्ट भी सब, शुक्रिया शुक्रिया। तो तुम लोग फिर मिले मैट्रिक के अंदर, फिर इतनी ज्यादा कैसे अभी दोस्ती हो गई अचानक? बस वो तरावियों के उसमें ही हो गई दोस्ती, बढ़ती गई। अच्छा वैसे एक बात मैं बताता हूँ आपको कि जो कैनी हमारे ज़रा घर से बाहर रहते हो, कैनी जो है वो मेरा स्कूल फ्रेंड था, जैन भाई जो है वो मेरे फ्लैट में ही रहते हैं, हम लोग साथ रहते हैं, जैन भाई और मेरी दोस्ती ऐसी थी और कैनी की मेरी दोस्ती ऐसी थी, कैनी और जैन की दोस्ती ऐसे हुई जैसे बताया, पर अब ऐसा है कि अब ऐसा लगता नहीं है कि हम लोग स्कूल फ्रेंड थे या हम लोग साथ रहते हैं, ऐसा बस लगता है कि ब्रदर्स वाला एक, हाँ ब्रो कोड सिस्टम एकदम नेक्स्ट लेवल वाला, बिल्कुल यार कैसे हम लोग एक दूसरे। अच्छा विली वाला सीन बता। विलियां तो मतलब ऐसे था कि मेरी बाइक होती थी अक्सर, कभी इनकी भी बाइक होती थी, कभी ये रुक के विलियां मार रहे हैं, मैं तो उतर जाता था, मैं मारता था तो ये गिर और मुझे इतना 2-3 बार मैं गिरा हूँ बाइक से कैनी के विली के चक्कर में, पर बाइक पूरी बेचारी अलिफ की तो माफ है क्योंकि नए नए थे ना यार बाइक चलाने, नई बाइक तो पुरानी चलाते थे पर ये हरकतें नई नई शुरू की थी हमने, बड़े हम लोग यार टेरी में खान जगह में, वो याद है वो एक अंकल के साथ जो हमने किया था, कैसे के राम राम से गेट निकाल के गए यूं किया अंकल पाक गए। अच्छा हम लोग एक्टर तो ऐसे नेक्स्ट लेवल के, क्या बताएं
एक्टिंग स्किल्स हमारी अच्छी थी पर अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद हमने ज्यादा कुछ होशियारियां की नहीं ना कोई ऐसी गलत हरकत करी। वो बस फर्स्ट एंड लास्ट टाइम होता है ना एक इंसान को के कर लेते हैं यार क्या हो गया एक दो दफा ही हमने किया होगा इविली विली का और वैसे कोई ट्राई भी ना करे ज्यादा बेहतर है भाई। डोंट ट्राई दिस एट होम एट स्कूल एट एनीवेयर कहीं पे भी भाई अगर गिरे गए ना तो हड्डी पसली फिर बजाज बेचारे के साथ भी तो किया था। बजाज को मैंने भी एक बार गिराया था बहुत बुरा वो वीडियो में आपको बताया होगा इन्होंने उसके लिए ऊपर वीडियो आ रही होगी वो देख लें। हाँ ऊपर आ रही होगी तो वो आप चेक कर सकते हैं शायद वीडियो में बताया मैंने उसके अंदर बताया था ना तो आप वो चेक जरूर करिएगा वो मैंने पूरा सीन बताया हम लोग कैसे बजाज बेचारा जब गिरा था उसके यहाँ पे नसवार चुपकी थी मुझे अच्छे से याद है हंस हंस के पागल हो गए थे। तो क्या नहीं आजकल जो दोस्ती मोस्ती चल रही है कोई ऐसी बात बताना चाहें जो आप जो आजकल दोस्तियों में हो रहा है अब वीडियो काफी लंबी हो गई है तो हम इसको एंड करेंगे इधर। दोस्ती तो है काफी अच्छी 3-4 साल तो हो गए हैं हमारी दोस्ती को और इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे आगे भी रहे इंशाल्लाह आमीन आमीन दुआ करें सब। और इसके अलावा जो आप देखते हो कि यार दूसरे दोस्त जो होते हैं आपस के अंदर जो लड़ाई हो जाती है जिसकी वजह से उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे ख्याल लड़ाई है कि दोस्ती हो रिलेशनशिप हो जो भी हो किसी के साथ उसमें पहली चीज होती है ट्रस्ट। तो अगर जैसे मुझे किसी ने इसके बारे में आगे कोई बात बोली तो मैं पहले इससे जाके पूछूंगा ये नहीं कि मैं उसकी बात पे होकर के इसके साथ इसको एटीट्यूड दिखाने लग जाऊँ ये शुरू कर दूँ तो ये गलत बात है। इससे जो है दरारें पैदा होती हैं रिश्तों में दोस्तियों में तो ऐसा ना करें और बरकरार रखें आपकी दोस्ती दोस्ती जो भी। तो कैनी भाई का पॉइंट ऑफ व्यू ये था और जैन भाई आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में? जैन भाई का ये कि चिप्स लाजमी खाएं चिप्स तो खाने भाई जिंदगी में जीना है तो चिप्स के लिए रहें फ्रेंच फ्राइज इज लाइफ जी जी खा सकते हैं भाई अगर आप लोगों को खाना क्योंकि कमेंट आएंगे अबे मुंह तो बंद कर ले अबे खाना तो कम कर दे पर ऐसा होता है। तो जैन भाई कोई ऐसी बात दोस्तों में जो आप बोले यार के ख्याल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यार ख्याल हम तो यही कहेंगे कि यार ट्रस्ट पहले नंबर पे ट्रस्ट आप अगले के ऊपर ट्रस्ट करते हो ना किसी कहीं पे कहीं भी बात पे आप ऐसे ट्रस्ट नहीं कर सकते जब तक आप उससे खुद से जाके नहीं मतलब कहने का दोनों का मकसद ये है कि दोस्ती में ट्रस्ट लाजमी करना चाहिए। ट्रस्ट है ना रिलेशनशिप में है क्या कुछ भी हो उसमें पहली चीज ट्रस्ट होती है। ट्रस्ट है ना पहली चीज ही ट्रस्ट है अगर आपके पास ट्रस्ट इसके ऊपर नहीं होगा तो आप इससे कैसे मतलब तकरीबन माशाल्लाह हमें 6-7 साल हो गए हमारी दोस्ती को अल्हम्दुलिल्लाह चलो चलो चलो। तो भाई आज की वीडियो जो काफी लंबी है और देख लें अगर आप लोग अब एंड तक देख ली तो बड़ी मेहरबानी आप लोगों की दुआओं में याद रखें और अगर आप लोगों के पास कोई टॉपिक आता है जो आपको लगता है कि उस पर हमें वीडियो बनानी चाहिए तो सजेस्ट ज़रूर किया करें। बाकी दुआओं में याद रखें फिर इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे तो अल्लाह हाफिज़।